ऐसी गरीब सरकार है जो हमारी सुनाई नहीं कर रही है। पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसको जिंदा जला दिया जाता है। डिंपल मीणा को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। भजनलाल की पर्ची की सरकार है, वो आज तक कोई सुनाई नहीं कर रही है। पर्ची सरकार मुर्दाबाद। नाम शफीक है, रजलको सिकर में थारो स्वागत करो हूँ। डिंपल मीणा नाम सु एक जो केस है बीके बारे में खबर स्थान के अंदर रोष और विरोध है जी को घटना को देखने मिल रही है और कोई विरोध है जी को आज अपना निशान के लिए मिल रही है। करौली जिले के हिंडोन सिटी की 9 मई को एक डिंपल मीणा 11 साल की जो मुख बधिर जो लड़की थी उसके साथ पहले बलात्कार होता है, बलात्कार होने के बाद में उसको जिंदा जला दिया जाता है। 20 तारीख तक वो अस्पताल में जिंदगी और मौत से जूझती रही और 20 तारीख को वो दुनिया छोड़ दी है। आचार संहिता लगी हुई थी चुनाव को लेकर, जब आचार संहिता हटी है तो 5 जून से लेकर जम्मू के अंदर संयुक्त स्मारक पर अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और अन्य जनसंघों के साथ में वो आज तक वहाँ बैठे हैं कि डिंपल मीणा की हत्यारों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए और डिंपल मीणा को न्याय मिले। तो आज हमें यहाँ अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति और अन्य गांव डाणियों से यहाँ महिलाएं हजारों में एकत्रित होकर मुख्यमंत्री के नाम पर कलेक्टर को ज्ञापन दे रही है। बहनों, इसके लिए आज हम डिंपल मीणा को न्याय दिलाने के लिए मांग कर रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति जयपुर में धरने पे बैठी हुई है और भी महिला जन संगठन और बाकी के संगठन वहाँ बैठे हुए हैं न्याय दिलाने के लिए, लेकिन जो भजनलाल की पर्ची की सरकार है वो आज तक कोई सुनाई नहीं कर रही है। और एक डिंपल मीणा की बात नहीं है, जगह जगह पे कई डिंपल मीणा ऐसी होती हैं, ऐसी घटनाएं रोज घट रही हैं, लेकिन ये गूंगी बहरी सरकार है जो हमारी सुनाई नहीं कर रही है। इसलिए हम मुख्यमंत्री के नाम यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं। रोज ऐसी घटनाएं ना घटी, इसी के लिए हम आज इकट्ठे होकर के यहाँ आए हैं। करिए और कलेक्टर ने ज्ञापन दियो कि जो लोग भी दोषी है जी साहब भी दोषी है जे साहब भी पर जुल्म अत्याचार हो है बिके साथ कोई घटना घटी है तो बिकी निष्पक्ष एक जांच होनी चाहिए और महिला के प्रति जो सुरक्षा को अभाव हो रहे है देश का अंदर पूरा में भी न मजबूती मिलना चाहिए, महिला सुरक्षा न मजबूती मिलना चाहिए। हिंडोन सिटी की घटना है और पूरी घटना के बारे में महिला जी का कलेक्टर ने ज्ञापन दियो और आप विरोध दर्ज कराया है।